यू आर फाइन एंड वेल। सो आज की वीडियो ही आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि मैं आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ आपको वोकैबुलरी बिल्ड करने में ही हेल्प नहीं करेगी, जबकि आपको कि आप इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी, दैट इज रिटन बाय नॉर्मन लुइस। यू हर्ड इट राइट, इट इज वर्ड पावर मेड इजी, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एवर दैट बिल्ड्स वोकैबुलरी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दिस बुक विल हेल्प यू टू टीच स्टेप बाय स्टेप मेथड दैट विल इंक्रीज योर नॉलेज। ओके, दिस बुक देर इज अ लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स डेट विल हेल्प यू टू लर्न द मीनिंग इजिली। ओके, डेट्स वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक डेट इज वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। वेल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक इज अवेज। यस, द मीनिंग ऑफ अवेज इज टू मेक अशेम्ड। यस, देन सेकेंड मीनिंग इज टू एम्बेरेस, इट मीन्स के टू फील इंसल्ट। ओके, so the how to use it, the Meredith felt as abashed by her inability to remember her lines in the school course of old MacDonald had a farm. yes to Meredith jo usko abashed feel hua kyunki wo apni lines nahi suna pai, wo bhi school course ke andar ek old MacDonald had a farm pe. okay, then the next word is await. Yes, it means ki to subside or to reduce, means ki kam ho jana. So how to use it? See here, the George spilled a pot of hot coffee on his leg. Kya ho ke jo George tha, means ki George tha na, uske leg par wo hot coffee gir gayi thi. Okay, then it hurt quite a bit, usko thoda hurt bhi hua, then gradually the agony abated. Okay, बट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही वो जो घाव था वो कम हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो एगोनी का मतलब होता है वो थोड़ा घाव है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। यस, इट मीन्स कि टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर और फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इसका मतलब ये है कि इसकी अपनी पोजिशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना, मीन्स कि त्याग कर देना। ओके, तो सी हियर, व्हेन किंग एडवर्ड 8 ऑफ इंग्लैंड डिसाइडेड ही वुड रादर बी मैरिड टू वॉलिस वॉरफील्ड सिम्पसन एन अमेरिकन डिवोर्स देन बी किंग ऑफ इंग्लैंड ही टर्न्ड इन हिज क्राउन एंड एब्डिकेटेड। ओके, इट मींस कि जो किंग था ना इंग्लैंड का, उसने ये डिसाइड किया कि जब वो मैरी हो जाएगा किसे, वॉलिस वॉरफील्ड से, तो जो कि एक अमेरिकन डिवोर्स थी, ठीक है। ही टर्न्ड इन हिज क्राउन एंड एब्डिकेटेड, इट मीन्स कि जो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे एब्डिकेट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट इज एविरेशन। ओके, दैट इज समथिंग नॉट टिपिकल, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होना है। हाउ टू यूज इट, दैट टॉम्स बैड बिहेवियर वॉज एन एविरेशन, सो वॉज हैरिस गुड बिहेवियर। ओके, देन नेक्स्ट इज अबोर। अबोर मीन्स टू हेट वेरी वेरी मच टू डिटेस्ट। ओके, इट मीन्स कि किसी चीज़ को बुरी तरह से हेट करना। ओके, इट मीन्स टू यूज टू अबोर समथिंग इज टू व्यू इट विद हॉरर, हेटिंग अ पर्सन इज ऑलमोस्ट फ्रेंडली इन कंपेरिजन विद अबोरिंग हिम और हर। नेक्स्ट इज एब्जेक्ट, इट मीन्स होपलेस, एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल। यस, इसका मतलब ये होता है कि होपलेस होना, ठीक है, कंप्लीट ज़्यादा दुखी हो तुम लोग, ठीक है। देन हाउ टू यूज इट, एन एब्जेक्ट पर्सन इज वन हु इज क्रश्ड एंड विदाउट होप, अ स्लेव वुड बी एब्जेक्ट इन ऑल लाइकलीहुड। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस तरीके से बने रहिए मेरे चैनल पर और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो थैंक यू।